भागलपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से हथियार लहराते हुए एक वीडियो प्राप्त हुआ। वीडियो के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा वीडियो का सत्यापन कर हथियार लहराने वाले युवक छोटू कुमार की पहचान कर पूछताछ की गई। छोटू कुमार की निशानदेही पर विधिवत छापेमारी की गई तो 2 देसी कट्टा एवं 3 कारतूस बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में संलिप्त 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों द्वारा इंस्टाग्राम पर सबौर किंग के नाम से अकाउंट बनाकर हथियार का फोटो वीडियो पोस्ट कर लोगों में दहशत पैदा की जा रही थी। आज का पीसी 2-3 महत्वपूर्ण मामले संबंधित है। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पुलिस को सोशल मीडिया पे कुछ युवकों के द्वारा हथियार लहराते हुए वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था। इसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इन सभी के द्वारा इस पूरे वीडियो का सत्यापन किया गया और इसमें शामिल कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छोटू कुमार जो कि सबौर का ही रहने वाला है चंदेरी गांव का, राहुल कुमार पिता प्रकाश यादव जो मिर्जापुर, गोलू कुमार पिता विजय यादव जो मिर्जापुर, और तीनों थाना सबौर के रहने वाले हैं। इस तीनों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और इनके पास से जो जब्त मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें इनके द्वारा हथियार लहराया जा रहा था। अभी इसके बारे में जो अपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, किस नियत से ये लोग हथियार रख रहे थे, क्या पूर्व में इन्होंने कोई घटनाएं किया है, इस विषय में अभी और पूछताछ की जा रही है और कुछ समय के बाद हम लोग को कुछ और इसमें उपलब्धि मिल सकती है। भागलपुर नगर निगम में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि नगर निगम की गाड़ियां एक एक कर जलने लगी। जब तक लोग आग पर काबू पाना चाहे तब तक कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना स्थल पर SDM संजय कुमार के अलावे कई आलाधिकारी एवं नगर निगम के पदाधिकारी व कर्मी पहुंचे। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों की क्षति हो चुकी थी। आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हमने देखा कि आग लगी का जो नगर निगम में घटी है वो बहुत चिंतनीय विषय है। ये करोड़ों की गाड़ियां जो वहां लगी हुई है, 3-3 गो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, मगर इसमें आग लगना ये जो है कहा जाए कि नगर निगम के कर्मचारियों के देख रेख में जो वहाँ पे गाड़ियाँ लगी जाती है, वहाँ की जो सौंदर्यकरण की व्यवस्था होती है वो सही ढंग से नहीं हुआ करता है। इसमें कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा लापरवाही है। यह अभी हम लोग अब कल जाके नगर आयुक्त महोदय से ही पत्राचार करेंगे और उनसे मिल के कहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, जो भी व्यक्ति जो भी कर्मचारी इसमें दोषी हो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे नगर निगम कार्यालय परिसर में ना हो। करोड़ों की गाड़ियाँ थी। हाँ, ये तो करोड़ों की, हाँ ये तो आम आदमी का संपत्ति है। भागलपुर विधानसभा, भागलपुर नगर निगम जो है, भागलपुर विधानसभा एक वार्ड से 51 नंबर वार्ड होती है, ये तो आम जनता की संपत्ति है। ये किसी कर्मचारी या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। इसका देख रेख करना ये नगर आयुक्त का काम है। अगर उनके द्वारा या उनको दिग्भ्रमित कर्मचारियों के द्वारा की जाती है तो नगर आयुक्त महोदय से मैं पुनः फिर से आग्रह करूँगा ऐसे कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करें और इन पर कानूनी कार्रवाई करें। उचित कार्रवाई न करें, इस पर कानूनी कार्रवाई करते नौकरी से बर्खास्त किया जाए। भागलपुर के नवछिया के चर्चित मिथुन कुमार हत्याकांड में गठित टीम के द्वारा तकनीकी आधार पर इस कांड में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त राहुल यादव को असम से गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी क्रम में गठित टीम द्वारा तकनीकी आधार पर यह पता लगाया गया कि इस कांड में नामजद अभियुक्त अजीत यादव पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में छिप कर रह रहा है। गठित टीम द्वारा पानागढ़ के कनकसा पुलिस थाना के सहयोग से छापेमारी की गई और प्राथमिक नामजद अभियुक्त अजीत यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत यादव चर्चित विनोद यादव हत्याकांड एवं गोपालपुर में PhD के कर्मचारी से रंगदारी वसूलने में भी वांछित था। जी, दिनांक 8 मार्च को मकनपुर चौक के पास कुछ अपराधियों ने मिथुन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी क्रम में हम लोगों ने पूर्व में राहुल यादव को गिरफ्तार किया था। आज इस केस में अजीत यादव पुत्र नरेश यादव रसलपुर निवासी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। जिसमें पूर्व में भी कई आपराधिक मामले हैं, मुख्य रूप से यह विनोद यादव हत्याकांड में था जिसमें इसका बेल कैंसिल हुआ है। इसके अलावा कमलेश्वरी भगत हत्याकांड में इसका नाम था जिसमें यह बेल पर है। इसके अलावा
गोपालपुर थाना अंतर्गत इस पर रंगदारी के कई मामले हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट से रंगदारी मांगना प्रमुख है। इसको हम लोगों ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। मिथुन यादव हत्याकांड में इसने छोटू से लेकर के पैसा राहुल यादव तक पहुंचाने का काम किया था। देखिए, यह लोग शातिर अपराधी है नौगछिया जिला के। यह लोग आपस में एक दूसरे से सिग्नल ऐप के थ्रू बात करते हैं। यह सभी लोग दो तरीके का मोबाइल रखते हैं। एक मोबाइल से यह लोग सिग्नल ऐप दूसरे में इंस्टॉल करते हैं और पहले नंबर से ये लोग चलाते हैं ताकि पुलिस को चकमा दे सके। परंतु हम लोगों ने इसको सिग्नल ऐप को ट्रेस आउट करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। ये भी वही यूज कर रहा था जी। यह पूरा ग्रुप जो है छोटू यादव और उसका पूरा ग्रुप, उसमें राहुल यादव है, यह है एवं अन्य कुछ अपराधी है, ये सभी लोग इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि नौगछिया पुलिस जिला ने जो अपनी सूची बना रखी है उसमें ये दो नंबर पर मुख्य अपराधी था। पहले नंबर पर राहुल था जिसको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। छोटू यादव पूर्व से ही जेल में है। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के बौंसी रोड में हुसैनाबाद स्थित एक सुतली बम मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची बबरगंज पुलिस ने इसकी जांच की और मौके पर पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर दो राकेश कुमार ने जानकारी दी कि बम स्क्वाड को बुलाया गया है। वह जांच के लिए उस सुतली बम को डिफ्यूज कर अपने पास ले लिए है। अभी साफ तौर पर मालूम नहीं हो पाया है कि यह बम है या कुछ और। कि किसी शरारती तत्व का काम है जो बाहर में फेंक दिया है और ऐसा लग रहा है कंडीशन देख करके कि एक्सप्लोसिव है नहीं, ये कुछ ये किया हुआ है या फिर वैसा भी है, लेकिन जब तक जांच का विषय है जब तक जांच नहीं हो जाता सही पता नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची है। हाँ, पुलिस पहले आ गई, हम बाद में आ रहे हैं। इस तरह की वस्तुओं से कहीं ना कहीं भय का एक माहौल, भय का माहौल, आपसी सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने का कोशिश, चाहे जिस भी लोगों ने किया। कौन सा मोहल्ला है? हेलो, ये हो गया हुसैनाबाद डब्बा में सूत्र बांधा हुआ है जिससे लग रहा है कि सब बम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि इसके संबंध में हमने बम दस्ता को सूचित किया गया है। वो आके जाँच करेंगे एक्चुअली में है क्या बम है कि नहीं है, उनको सूचित कर दिया गया है और वो लोग आ रहे हैं। क्या लगता है सर, इस तरह की साजिश कौन कर सकता है? अब ये तो जांच की जा रही है कि कौन इस तरह से साजिश किए हैं और क्या उनका मनसा है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में खराब पड़े 5 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। एक एम्बुलेंस में लगी आग ने दूसरे एम्बुलेंस को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक एम्बुलेंस पूरी तरह से जल गया। अगलगी की सूचना पर अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 घंटे तक पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पास सड़क से गुजर रहे यातायात डीएसपी आशीष कुमार ने भी खुद मोर्चा संभाला और आग बुझाने में लग गए। आग लगने का क्या कारण था यह पता नहीं चल सका। बता दें, अस्पताल परिसर में कई खराब एम्बुलेंस पड़े हैं। कुछ एम्बुलेंस ऐसे हैं जो ठीक हो सकता है, उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। तब मैं क्षेत्र से घूम के आ रहा था अभी, तो जैसे ही शहीद चौक पास किया तो देखा धुआं, थोड़ा पहले से धुआं उठ रहा था, तो हम ठीक क्या है, तो फिर बढ़ते बढ़ते लगा कि आग का प्रकोप है। यहाँ छोटी वाली अग्निशमन की गाड़ी लगी हुई थी, मैं आया फिर देखा कि आग की लपटें हैं, तो मैं बाउंड्री से पास करके इस पार आया तो लड़की रोहिणी माया और सुबोध कुमार का टीम छोटी वाली गाड़ी लेके लगा हुआ था, उसको मतलब गाइड करते हुए आग, एक गाड़ी तो जल गई थी पूरी तरीके से और दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी में लगी थी, उस पर काबू पहले पाया गया। उसका आप सर खुद से मोर्चा संभाले हुए थे? वर्दी पहने, हमारा वर्दीधारी का काम है हर चीज़ में आपको सपोर्ट करने का, हर समाज। ये तो नहीं मैं ये बता सकता, ये तो आप लोग पहले थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आग लगी, इतना पत्ता, गर्मी का समय है, पत्ता चारों तरफ है, किस तरीके से लगातार आग लगी हो रही है। कल नगर निगम में भी घटना हुई, अभी क्या लग रहा है? इससे पहले वहाँ एसबीआई के पास टेम्परेचर है, पत्ते अभी गर्मी के समय, पतझड़ का मौसम है, पत्ता बहुत जमा होता है, कहीं कोई थोड़ा सा कोई चीज़ के चलते कुछ चाय का दुकान खोले हुए कोई कुछ है, तो किस कारण से लगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और आप लोगों को भी जैसे कहीं मालूम होता है, इसमें पत्रकारिता से अलग हटके समाज के एक नुमाइंदा होने के नाते सबों का इसमें साझेदारी जरूरी है, हर मेंबर का। हर आजकल के बच्चे देखते हैं ना, वो फोटो ज़्यादा खींचते हैं, ये पहले लोग बाल्टी लेके दौड़ता था, अब वो तो नहीं है, लेकिन अब है क्या, सपोर्ट नहीं करने के, अब रोड डिस्टर्ब करना हर तरीके से, तो वो सभी से अपील है, सभी बच्चों से, सभी युवा से, जो भी देखते हैं, जो भी सुनेंगे आप लोगों के माध्यम से, कहीं अगलगी होती है तो आपका इतना सहभागिता है उसको बुझाने में, आप किस तरीके से यूज करते हैं। कोई कहता है कि जंगल में आग लगी है तो चोंच से चिड़िया पानी देता है, उसका उससे बुझना नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन देखा जाए, क्या उसका एजुकेशन है। तो इसमें सभी लोगों का, आम जनों से बड़ा अपील है, कहीं आप देखते हो अगलगी घटना है
आप जितना हो सहयोग करें, जितना जल्दी से जल्दी आग पे काबू पाया जाए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शराब तस्करों को पकड़ने गई बरारी पुलिस की टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ है। बरारी के मुसारी टोला में उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थर से हमला कर बरारी थानेदार अभय शंकर समेत एक SI और एक जवान को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। हमले में थानेदार समेत 3 जवान व 3 गृहरक्षक जख्मी हो गए। घटना की जानकारी के मिलने के बाद 5 थानों की पुलिस के साथ CIT दंगा नियंत्रण टीम और SBI की कुल 150 महिला व पुरुष जवान पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद थानेदार व जवानों को कराया गया। उसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग भी हुई, गोली भीड़ ने चलाई या पुलिस ने, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। CT SP ने फायरिंग से इनकार किया है। इधर पुलिस के जवानों ने करीब 2:30 बजे मोहल्ले को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी करना शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि इस दौरान महिला व बच्चों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा भी है। इसको लेकर पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है, जिसमें 26 लोगों को नामजद बनाया गया है, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 4 की छानबीन जारी है। पुलिस ने 110 लीटर देसी शराब भी जब्त किए हैं, वहीं काफी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब को नष्ट भी किया गया है। बराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस पे हमला जो हुआ है अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए, इसमें पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुआ कि हाउसिंग जो बोर्ड है मुसहरी टोला, वहाँ पे कई घरों में शराब बनाई जा रही है। इस पे छापेमारी की गई, थानाध्यक्ष स्वयं इसको लीड कर रहे थे। इस बरामदगी में देसी शराब जो कि 110 लीटर बरामद किया गया है, जो जब पुलिस जब वे बरामद करने गई तो पुलिस पे जो कुछ अपराधियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया। इसमें 3 अपराधी जो रंजन मांझी, पिता पंडित मांझी, दूसरा भिखारी रिख्यासन, तीसरा मनीष मांझी, ये तीनों वहीं के रहने वाले हैं, तीनों को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग की भी सूचना नहीं, फायरिंग की सूचना नहीं और किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। स्थानीय जो ग्रामीण जो महिलाएं और पुरुषों के द्वारा जो जो ईट पत्थर से जो हमला किया जाता है वही एक मामला है। फायरिंग कोई सूचना नहीं है, पथराव जो हुई थी बिल्कुल। और इस मामले में हम लोग तकरीबन 20 से 25 लोगों पे नामजद FIR और तकरीबन अन्य 30 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे FIR किया जा रहा है। और जो शराब के विरुद्ध जो छापेमारी है वो लगातार जारी रहेगी, और इसमें लगभग 700 लीटर जो अर्धनिर्मित शराब था, जो मटेरियल था, उसको भी नष्ट किया गया। चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक, उसमें महत्वपूर्ण कारक शराब है, जिसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद लगभग 3500 लीटर शराब की जब्ती की गई है, और चेक पोस्ट भी जो 8 चेक पोस्ट चल रहे हैं हमारे, वहाँ से भी लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती हुई है। और 6 और 7 तारीख की रात्रि में
शराब के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सूचना बरारी थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने सीआईटी की टीम के साथ छापेमारी में वो निकले और बरारी थाना क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड है, उसके पास में एक टोला है, वहीं पर यह सूचना थी और उन्होंने छापेमारी करके 110 लीटर के करीब शराब और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और आसपास उस मोहल्ले के लोगों ने अचानक पुलिस पर हमला किया और पत्थरबाजी की, जिसमें कि हमारी जो सरकारी गाड़ी थी उसका शीशा एक टूटा और हमारे 6 अफसर और कर्मीगण उसमें चोटिल हुए, उसमें चोटिल हुए और उसके बाद वहां पर तुरंत फोर्स का मोबिलाइजेशन किया गया और जो वहां पर रीइन्फोर्समेंट के लिए फोर्स पहुंची उनके द्वारा 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की गई, 110 लीटर शराब की जब्ती की गई और लगभग 600 लीटर अर्धनिर्मित जो शराब होती है उसका विनष्टीकरण किया गया, शराब बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और इस पूरे प्रकरण में जितने लोग सम्मिलित थे उनको चिन्हित किया गया और 26 लोगों पर नेम्ड FIR हुआ और उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई जिसमें कि हमारी CIT की टीम थी, CAPF की भी एक टीम थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम थी, इन लोगों के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें कि उन जो बचे हुए 23 लोग थे उनमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 26 लोगों को चिन्हित किया गया था और 26 में से कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो लंबित 4 लोग हैं उनके खिलाफ भी हमारी टीम लगी हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। आप सभी के माध्यम से एक संदेश भागलपुर की जनता को देना चाहूँगा कि पुलिस लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कृतसंकल्पित है और इसी दिशा में लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही है। पुलिस के काम में कोई बाधा नहीं पहुँचाएँ और कोई अगर पुलिस के काम में बाधा करता है या पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नहीं देखिए, हमला तो हुआ जैसा मैंने बताया, लेकिन 24 घंटे के भीतर हमले में शामिल जो 26 लोग थे उसमें से 22 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इसके साथ ही साथ माइनिंग के अगेंस्ट भी कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि 21 ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और उनसे बहुत भारी मात्रा में जो फाइन होता है उसकी भी वसूली सुनिश्चित की गई है। तो जो पुलिस का काम है माइनिंग के खिलाफ हो या तो शराब के खिलाफ हो वो बिल्कुल लगातार चलता रहेगा और इसमें जो भी इस काम में बाधा पहुंचाएंगे उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी कोई फायरिंग की कोई सूचना नहीं है, बिल्कुल हमारे जो लोग थे वो घिर गए थे चारों तरफ से और उसके बाद जो हमारा रीइन्फोर्समेंट पहुंचता है तो उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई अगले लेवल की चरण की कार्रवाई प्रारंभ करती है, उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित करती है और 110 लीटर की शराब भी बरामदगी करती है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों को साझा किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर कम मतदान होने के कारण का पता लगाने की बात कही और लोगों से बढ़ चढ़कर इस चुनावी पर्व में अपना वोट देने की अपील करते दिखे और भागलपुर का मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने की बात कही। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके गाइडलाइंस पर हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है। उम्मीद है यह चुनाव पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण संपन्न होगा। बता दें कि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या 1067 है, जिसमें बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र हैं। भागलपुर में लोकसभा आम निर्वाचन दूसरे चरण में 26 अप्रैल को आयोजित होने वाले हैं, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूर्ण रूपेण कर ली है। वहीं भागलपुर लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। आज सबको चुनाव भी मिल गया, इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार होंगे। बता दें 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें 8 प्रत्याशियों का पर्चा अस्वीकृत हो गया। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर शहर में रोको टोको अभियान किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज की तिथि को नॉमिनेशन पेपर विड्रॉल करने की अंतिम तिथि थी और एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉ भी किया है। पहले जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे कुल 13 थे और उसमें से एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया। अब कुल कैंडिडेट की संख्या 12 हुई और आपको अवगत कराना चाहते हैं
कि आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, आज ही सिंबल अलॉटमेंट भी अभी हो रहा है। इसके बाद मतदान की तिथि 26 अप्रैल को है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है और मतगणना 4 जून को है। आप सभी अवगत हैं कि इस ज़िला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि एक सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के आरओ बांका की टीम है, बांका के डीएम साहब हैं, और शेष 6 विधानसभा क्षेत्र इस भागलपुर 26 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुल हमारे यहाँ 2234 बूथ हैं पूरे इस ज़िले में जो डीईओ के अंतर्गत आते हैं और 10 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए, यानी 2244, और जिसमें कि कुल 1267 मतदान केंद्र स्थल होगा। ऐसे एक ही स्थल पे कई बूथ हैं, इसलिए हम लोगों ने स्थल की संख्या 1267 है। यदि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे पास मतदान केंद्र की केंद्र भवन की संख्या 1067 है और हमारे ज़िले में अभी जो कुल मतदाता हैं कुल 23,20,678 मतदाता हैं, और जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,07,575 हैं एवं महिला मतदाता 11,22,971 हैं, अन्य मतदाता 132 हैं। ज़िला में पुरुष एवं महिला मतदाता का अनुपात 930 है, खास करके 18 से 19 वर्ष के मतदाता को जो अभी वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है उसकी संख्या 36,803 है, परंतु 18 से 25 वर्ष के मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो जिसको कि हम लोग यूथ के कैटेगरी में रख भी रहे हैं। विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए कुल 267 सेक्टर बनाए गए हैं एवं 35 SST एवं 23 FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन भी किया गया है। जो डिस्पैच सेंटर है हमारा, 3 डिस्पैच सेंटर है, मैं 4 विधानसभा का डिस्पैच पॉलिटेक्निक कॉलेज बराड़ी से किया जाना है, 1 का जो जिला स्कूल भागलपुर से सुल्तानगंज का करेंगे एवं 2 का हम लोग नौगछिया से इंटर स्तरीय महाविद्यालय से डिस्पैच करेंगे। इसमें जो हमारे सेक्टर पदाधिकारियों ने और ख़ास करके जो SST है, इन लोगों ने, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक विदेशी शराब 6-4 तक जो जब्ती है 2,878 लीटर एवं देसी शराब 3,049 लीटर है, और इसके साथ ही जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है। कुल कैश 14,93,600 रुपया 7 तारीख तक जब्त किया गया था, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया गया है। अभी आर्म्स लाइसेंस जितने भी हैं उसमें से 1,069 आर्म्स को जमा कराया गया है, 118 आर्म्स लाइसेंस को हम लोगों ने रद्द किया है एवं 2 को जब्त भी कराया गया है। कुल 17,967 व्यक्तियों के विरुद्ध 107 का प्रस्ताव प्राप्त था, जिसमें से 11,474 व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन किया गया और शेष की प्रक्रिया जारी है, जो 3 दिनों के अंदर में कंप्लीट भी कर ली जाएगी। अभी नाका हम लोगों ने इंटर स्टेट 27 लगाए हैं और जो 2 जिलों के बीच की बाउंड्री है उसमें हम लोगों ने 9 लगाया है। अभी 18 से ये 85+ जो मतदाता हैं हमारे ज़िले में कुल 16,170 है और PWD के जो फिजिकली डिजेबल्ड हैं वो वोटर्स हैं 17,903 हैं। हम लोग सभी विधानसभा में 1 आदर्श मतदान केंद्र, 1 PWD मतदान केंद्र, 1 महिला मतदान केंद्र बनाएंगे, जिससे कि आम लोगों को ये रहे कि भाई सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग कमीशन के इस पावन जो घोषणा है इस लोकतंत्र में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। PWD मतदान केंद्र में हमारे जितने भी कर्मी होंगे, प्रिजाइडिंग P1 P2 P3 सभी हमारे दिव्यांगजन होंगे, महिला मतदान केंद्र में जितने भी कर्मी होंगे सभी महिलाएं होंगी, और आदर्श मतदान केंद्र ताकि लोगों को लगे कि काफ़ी अच्छा लगे, इसलिए हम लोग उसको बनाएंगे। DM साहब ने डिटेल में आपको बताया चुनाव की तैयारियों के संबंध में, और भागलपुर पुलिस के द्वारा भी लगातार भयमुक्त मतदान कराने के हेतु कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में कुल हथियार या शराब इत्यादि जो कारक हैं जिससे कि मतदान प्रभावित हो सकता है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और चुनाव की घोषणा होने के बाद 11 अवैध हथियारों की जब्ती की गई है, 94 कारतूसों की जब्ती की गई है और 3,500 लीटर से भी ज़्यादा शराब
जब्ती की गई है, जो हम लोगों ने 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए हैं वहाँ से लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती की गई है और लगभग 4500 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है और अन्य भी जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, लगातार अपने बूथ के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, टोले हैं, उसका लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार से मतदान में बाधा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और इस प्रकार लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि जो चुनाव के दिन जितने भी मतदाता हैं वो भयमुक्त होकर, निर्भीक होकर अपने मतदान स्थल पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। भागलपुर लोकसभा सीट पर अब 12 प्रत्याशियों के आवेदन की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। आज नाम वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार अजय कुमार राय ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग केंद्र की एनडीए सरकार को मजबूत करेंगे, हम सभी मिलकर भागलपुर के जदयू उम्मीदवार अजय कुमार मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे भारी बहुमत से जिताएंगे। गौरतलब है कि निर्दलीय उम्मीदवार अजय कुमार राय के साथ उनके कई समर्थक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपने नामांकन को वापस लिया। भागलपुर प्रक्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान है। बता दें 21 प्रत्याशियों में 8 प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा अस्वीकृत हो गया था और एक प्रत्याशी अजय कुमार राय ने अपना नाम वापस ले लिया। हमारे हम पार्टी में पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे अलाकम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार जो आदेश आया कि नहीं हम लोग जब एनडीए की घटक दल हैं इसीलिए आप चुनाव मत लड़िए, हम लोग आपके साथ में हैं, तो हम लोग इसी में एनडीए के साथ हैं। आज नाम वापस किए? हाँ, आज नाम वापस ले लिए। इनके हाथों को मजबूत कीजिएगा। चलिए, हम लोग एनडीए को मजबूत करेंगे और एनडीए के जिताने का काम करेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। नामांकन लेने का फैसला कैसे आप? हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश आएगा तो हम लोग एनडीए के साथ में, हमारे जितना मांझी जी है हम उनके साथ में है तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। हाँ जरूर करेंगे, जब हम लोग इंडिया के साथ में प्रचार प्रचार सब साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, वोट दिलाने का काम करेंगे।